क्या नाम है चाचा? बैठे रहिए क्या नाम है? मेरा फूल सिंह नाम है भाई। फूल सिंह नाम है आपका? तो आप अपनी रिक्शा यहाँ खड़ी करके कहे बैठे हैं? बाबू जी मैं खाने की तलाश में हूँ, गाड़ी आएगी तो खाना मिल जाएगा, चला जाऊँ। मतलब कौन खाना देगा? ये गाड़ी आती है तो खाना दे करके जाती है, खाना आने वाला है। घर में खाना नहीं बना? बाबू जी मैं यहाँ का रहने वाला नहीं। अच्छा, कहाँ के? महोबा का हूँ। तो यहाँ कौन है आपके? कोई नहीं, मैं अपन ठेली चलाता हूँ, यहीं रहता हूँ। जाने के मारे मन कर रहा हूँ तो कोई साधन नहीं। अच्छा, पैसे वैसे हैं? हाँ पैसे हैं। अच्छा, कमा लेता हूँ। कमा लेते हैं। आज दिहाड़ी लगी कुछ? नहीं लगी आज, कुछ दिहाड़ी नहीं लगी। अच्छा, हम मीडिया से हैं तो हमने एक ना शुरुआत की है कि हम लोगों से कुछ पूछते हैं, अगर वो उनका सही जवाब दे देता है तो हम उनको कुछ गिफ्ट देते हैं। तो आपका नाम क्या है? फूल सिंह नाम है। फूल सिंह, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, अगर आपने उस सवाल का सही जवाब दे दिया तो हम आपको तो एक छोटा सा गिफ्ट देंगे अपनी तरफ से, ईद का एक तोहफा दे देंगे। फूल सिंह जी, आप ये बताइए, जो अभी ये महीना चल रहा है मुसलमानों का, जो महीना चल रहा है, इस महीने को क्या कहते हैं? बाबू जी मैं ये नहीं बता सकता, पढ़े। अच्छा, इस महीने में जो महीना चला, इस महीने में जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम भाई है, वो क्या रखते हैं? क्या रखते हैं? जो भूखे रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रोजा। हाँ बिल्कुल, रोजा बोल। अच्छा, हाँ जी, रोजा बोलते हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। हाँ, और ये हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, इसमें कुछ छोटी सी रकम है, ठीक है ना? आप रखिए, अपने बच्चों में रहिए, खुश रहिए। ठीक है जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विक्रम वर्मा है। विक्रम वर्मा। हाँ जी। तो ये क्या हुआ आपके हाथ में? ये सिलेंडर फट गया था। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? हम जिला कासगंज के रहने वाले हैं। तो मतलब कैसे गुजारा चल रहा है? गुजारा ऐसे ही चल रहा है, मांग खा के गुजारा चल रहा है, परदेसी हैं, कोई राशन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इसलिए ऐसे गुजारा चल रहा है। अच्छा, हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, अगर एक सवाल का आपने जवाब सही दिया तो हम आपको कुछ गिफ्ट देंगे, ठीक है ना? दोगे सवाल का जवाब? अच्छा, हमारे जो उत्तर प्रदेश है, इसके जो मुख्यमंत्री हैं, उसका नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल सही जवाब, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया मेरे भाई। ये आपने सवाल का जवाब दिया है, ये एक छोटा सा तोहफा है हमारी तरफ से, ईद गिफ्ट है। हाँ जी, ठीक है ना? ईद पर खुशियाँ बांटिए और ये अपने बच्चों के लिए कुछ लेके जाइएगा, ठीक है जी? क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मुकेश ठाकुर। मुकेश कुमार? मुकेश ठाकुर। मुकेश ठाकुर, मुकेश भाई क्या हुआ पैर में आपका? एक पैर नहीं है क्या? 6 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था मेरा। अब बैठिए, इधर बैठिए, बैठ के बातें करेंगे आप। सर, चार बच्चे मेरे जी, चार बच्चे मेरे और घर की स्थिति बहुत ख़राब है सर जी। हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, अगर उस सवाल का जवाब आपने सही दे दिया तो ये आपका इनाम होगा, हम हेल्प नहीं कर रहे, ठीक है ना? ये आप सोचो हेल्प कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप ये बताइए दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? अरविंद केजरीवाल। सोच के बताइए। बिल्कुल पता है, अरविंद केजरीवाल। कन्फर्म है? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, अरविंद केजरीवाल। मेरे भाई ये एक छोटा सा गिफ्ट है, ये ईद है, मेरे अपने भाई की तरफ से ईदी समझ लीजिए सर, ठीक है ना? इसमें कुछ पैसे हैं तो आप बिल्कुल राशन लेके जाइए। ईद मुबारक सर, लाख लाख शुभकामनाएं पूरे परिवार को, बच्चों को, सबको शुभ शुभ ईद की कामनाएं। आपको अल्लाह मियाँ तौफीक अदा फरमाए, आपको कारोबार में उन्नति दे, बरकत दे, ये मेरे दिल से तमन्ना है। ऊपर वाला आपके बच्चों को दिन और जन्नत अदा फरमाए, तौफीक, आमीन जी। भैया क्या हाल चाल हैं, क्या नाम है आपका? रुस्तम है जी। है जी, रुस्तम है। रुस्तम भाई, रुस्तम भाई कैसे बैठे हैं यहाँ पे? आराम कर रहे हैं, थक गए हैं यहाँ। थक गए हैं? हाँ जी। रोजे से हो? हाँ रोजे से है। रोजे से होने के बाद भी आप रिक्शा चला रहे हैं, क्या करें? तो कैसे चलता है, ज़िंदगी कैसी चल रही है? बस ऐसे ही कट रही है जी। अच्छा, क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी है, क्या करें जी। रुस्तम भाई ये बताओ, हम मीडिया से हैं, हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, अगर आपने सवाल का सही जवाब दिया तो कुछ गिफ्ट है आपके लिए। बस जी, हम तो सवाल जवाब में पढ़ते नहीं जी। मैं कुछ ऐसा पेट पालना बच्चे, ये बताइए जो ये महीना चल रहा है, इस महीने को क्या बोलते हैं? ये रमज़ान का महीना है जी। बिल्कुल ठीक जवाब आपने दिया, रमज़ान का महीना चल रहा है। आप ये बताइए, हम किसकी उम्मत में हैं? हम तो उम्मत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं। दोनों सवाल आपके बिल्कुल सही है, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं, और ये हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है।
ये एक ईद का गिफ्ट है, एक ईद का गिफ्ट समझ लें, ईदी है आपकी लकी से, ठीक है, ये ईदी है और आपके भाई की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, आप अपने बच्चों में कुछ लेके जाइए, कुछ फल वल लेके जाइए। ठीक है जी। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। राजेंद्र भाई क्या मतलब किस लिए ले जा रहे हैं? ये घर पर ले जाकर रखेंगे। अच्छा, उसके फिर मतलब इसका कुछ बनाते हैं या किस कैसे? नहीं, ये तो गोदाम पर जाती हैं जी। अच्छा, गोदाम पे क्या कारोबार है आप? यही काम है हमारा बोरी का। बोरी खरीदते हैं, उसको फिर ले जाके फिर उसको आगे बेचते हैं। हाँ, गोदाम। कितने कमा लेते हैं राजेंद्र भाई एक दिन में? एक रुपया पीस बचता है इसमें। एक रुपया? तो अभी जैसे लॉकडाउन है तो कैसे ज़िंदगी चल रही है? बस ऐसी चल रही है, बस बस खींच रही है ज़िंदगी। हाँ। अच्छा, हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, उस सवाल का आपने अगर सही जवाब दे दे, एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए, एक ईदी समझ लीजिए अपने छोटे भाई की तरफ से। हमारे देश के गृह मंत्री का नाम क्या है? सोचिए सोचिए। अमित शाह। देखो, सवाल का जवाब आपके उन साथी ने दिया है। अमित शाह हमारे देश के गृह मंत्री हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ से। ठीक है सर, खुश रहिएगा, हिम्मत नहीं हारिए कभी भी। हिम्मत आप मारते हो, ये ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। एक दिन के बाद ईद है और हमने कोशिश की है एक छोटी सी कि इस ईद पर खुशियाँ बांटी जाए, चाहे वो किसी धर्म, किसी जात, किसी मजहब से हो। हमें कुछ लोग ऐसे मिले जो घर से निकले थे कमाने के लिए लेकिन कमाई नहीं हुई। हमने कोशिश की, एक लिफाफे के अंदर कुछ अमाउंट हमने डाला है और उस अमाउंट को हमने ऐसे लोगों को दिया है जो बेहद ज़्यादा कमज़ोर थे या जिनके पास नौकरी नहीं थी या जिनके पास उनका काम नहीं लगा। एक छोटी सी पहल की हमने कोशिश की है और बस आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप भी एक इस पहल का, इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। अपने आसपास देखिए, ऐसे तमाम लोग आपको ज़रूर मिलेंगे जो आपकी मदद के मुस्तहिक है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए।